दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, 3.9 की तीव्रता वाले भूकंप ने दी दस्तक। यूपी के बागपत में था केंद्र। वाराणसी से पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया हमला, बोले शहीदों की शहादत का हिसाब होगा पूरा। राष्ट्र रक्षा के लिए अपने स्वजन को नौछावर करने वाले, उनके इस ऋण को चुकाने की शक्ति हम सभी को मिले। हापुड़ में एक शख्स ने शहीदों को अनोखी श्रद्धांजलि दी, शरीर पर 580 शहीदों के नाम का बनवाया टैटू। काशी में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का दिव्यांगों ने किया स्वागत, लाफ्टर चैलेंज में जा चुके दिव्यांग ने मोदी के चर्चित भाषण की नकल कर पीएम को किया प्रभावित। न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। दिव्यांग बच्चे की मिमिक्री से प्रभावित मोदी ने खुद की और मिमिक्री करने की फरमाइश, तो बच्चे ने रेडियो पर मन की बात की नकल उतारी। दिव्यांगों ने हर हर महादेव और अब की बार मोदी सरकार का नारा भी लगाया। सीएम योगी रहे मौजूद और जिस अगर जैसा से गले मिल रहे थे, मुझको जो आनंद का अनुभव हुआ वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। साहित्यकार नामवर सिंह का निधन, 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। नामवर सिंह के निधन से आलोचना जगत को बड़ी क्षति। नामवर सिंह के बेटे विजय के मुताबिक एक महीने पहले बेड से गिर जाने पर उन्हें हो गया था ब्रेन हेमरेज। आज दोपहर बाद होगा नामवर सिंह का अंतिम संस्कार, लोधी रोड स्थित शमशान में दी जाएगी मुखाग्नि। कानपुर में पार्किंग के लिए दो गुटों में मारपीट, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला, पुलिस के सामने वारदात। इटावा में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक की मौत, थानों के बीच सीमा विवाद की वजह से घंटों पड़ी रही लाश। प्रयागराज के कुंभ में साधु संतों के दिख रहे तरह तरह के तप, कांटों की शैया पर लेटा दिखा हठयोगी। बाराबंकी में मनरेगा द्वारा बनवाए जा रहे तालाब की खुदाई के दौरान देवी लक्ष्मी की एक बेशकीमती मूर्ति बरामद होने से हड़कंप मच गया, मूर्ति देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। गांव में ही एक स्थान पर मूर्ति को रख कर पूजा पाठ भी शुरू कर दिया गया। इस बीच अधिकारियों ने मूर्ति को कब्जे में ले लिया है,